माननीय सभापति जी, हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देंगे। अगले 5 साल सोलर पावर से बिजली बिल जीरो, बिजली बिल जीरो। आदरणीय सभापति जी, हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देंगे। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में भारत में डॉक्टरों की संख्या पहले की तुलना में अनेक गुना बढ़ेगी। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी। इस देश में इलाज बहुत सस्ता और सुलभ हो जाएगा। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में हर गरीब के घर में नल से जल का कनेक्शन होगा। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल में उन गरीब को पीएम आवास जो देने हैं, एक भी वंचित नहीं रहे, इसका पक्का ख्याल रखा जाएगा। अगले 5 साल सोलर पावर से बिजली बिल जीरो, बिजली बिल जीरो। देश के कितने नागरिकों, करोड़ों नागरिकों को बिजली बिल जीरो। और ठीक अगर आयोजन करेंगे तो अपने घर पर बिजली बना करके बेच करके कमाई कर पाएंगे। ये अगले 5 साल का कार्यक्रम है। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल देश में पाइप से गैस के कनेक्शन, पूरे देश में नेटवर्क बनाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। सभापति जी, आने वाले 5 साल हमारी युवा शक्ति का दम पूरी दुनिया देखेगी। आप देखना आदरणीय सभापति जी, हमारे युवा स्टार्टअप्स, युवाओं के यूनिकॉर्न, इसकी संख्या लाखों में होने वाली है। और इतना ही नहीं, टीयर 2 टीयर 3 सिटी नए नए स्टार्टअप से उसकी एक नई पहचान के साथ उभरने वाला है। ये मैं 5 साल का चित्र मेरे सामने देख रहा हूँ। आदरणीय सभापति जी, रिसर्च फंडिंग, उसकी वृद्धि का प्रभाव आप देखना। पिछले 7 दशक में जितने पेटेंट नहीं हुए हैं, उतने रिकॉर्ड पेटेंट फाइल होने का दिन आने वाले 5 साल में मैं देख रहा हूँ। आदरणीय सभापति जी, आज मेरे मध्यम वर्ग के लाखों बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए चले जाते हैं। मैं वो स्थिति लाना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों के लाखों रुपये बच जाएं, मेरे देश के मध्यम वर्ग के सपने पूरे हो, बेस्ट यूनिवर्सिटी मेरे देश में हो, उच्चतम शिक्षा उनको मेरे देश में मिले और मेरे बच्चों का, उनके परिवार का पैसा बचे। उसलिए मैं कह रहा आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल आप देख रहा, कोई भी इंटरनेशनल खेल की कंपटीशन ऐसी नहीं होगी जिसमें भारत का झंडे हर जगह बनना था। मैं देखने वाला हूँ 5 साल खेल जगत के अंदर दुनिया में भारत के युवा की शक्ति की पहचान बन रहे। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल में भारत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होने वाला है। अगले 5 साल में गरीब और मिडिल क्लास को तेल और शानदार यात्रा की सुविधाएं बहुत आसानी से मिलने वाली है, तेज मिलने वाली है, पूरी ताकत से व्यवस्था होने वाली है। अगले 5 साल में देश बुलेट ट्रेन भी देखेगा और देश ट्रेन वंदे भारत ट्रेन का विस्तार भी देखेगा। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में आत्मनिर्भर भारत का अभियान नई ऊंचाई पर होगा। देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता नजर आएगा। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल में मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर दुनिया में हमारी गूंज होगी। इलेक्ट्रॉनिक हर गुड में
वो चीप होगी जिसमें किसी न किसी भारतीय का पसीना होगा। आदरणीय सर, दुनिया के इलेक्ट्रिक बाजार में, इलेक्ट्रॉनिक बाजार में एक नई गति का सामर्थ्य आने वाले 5 साल में देश देखेगा। आदरणीय सभापति जी, आज देश लाखों करोड़ रुपए का तेल इंपोर्ट करता है। अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम करेंगे और मुझे विश्वास है हम ऊर्जा जरूरतों पर जो डिपेंडेंसी है वो कम करने में सफल होंगे। इसे इतना ही नहीं, आदरणीय सभापति जी, ग्रीन हाइड्रोजन अभियान, हम दुनिया के बाजार को लालायित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का सामर्थ्य रहेगा। इथेनॉल की दुनिया में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम 20% का लक्ष्य प्राप्त करके हमारे लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में सस्ता मिले, इसकी व्यवस्था होगी। आदरणीय सभापति जी, जब मैं 20% इथेनॉल की बात करता हूँ, उसका सीधा लाभ मेरे देश के किसानों को होने वाला है। किसानों की नई पद्धति में देश के हजारों करोड़ रुपया खाद्य देते हैं। हम कृषि प्रधान देश तो कहते हैं, लेकिन आज भी हजारों करोड़ रुपयों का खाने का तेल हमें बाहर से लाना पड़ रहा है। हमारा देश के किसानों पर मुझे भरोसा है और मैं मुझे पक्का भी जो नीतियों को लेकर हम चलते हैं, एडिबल ऑयल में मेरा देश बहुत एक आत्मनिर्भर 5 साल में हो जाएगा और जो पैसा बचेगा मेरे देश के किसान की जेब में जाएगा, जो आज विदेश के बाजार में जाता है। आदरणीय सभापति जी, केमिकल की खेती के कारण हमारी धरती माँ को बहुत नुकसान हो रहा है। आने वाले 5 साल में नेचुरल फार्मिंग की तरफ देश के किसानों को ले जाने में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे। एक नया जागृति का काम होगा, हमारी धरती माँ की भी सुरक्षा होगी। आदरणीय सभापति जी, नेचुरल फार्मिंग बढ़ने से दुनिया के बाजार में भी हमारे उत्पादों की ताकत बढ़ने वाली है। आदरणीय सभापति जी, यूएन के माध्यम से मैंने मिलेट का अभियान चलाया, श्री अन्न के नाते आज हमने उसकी पहचान दी है। मैं वो दिन दूर नहीं देखता हूँ जबकि आने वाले 5 साल में दुनिया के बाजार में सुपर फूड के रूप में मेरे गांव के छोटे छोटे किसानों के द्वारा पैदा हुआ मिलेट श्री अन्न दुनिया के बाजार में प्रतिष्ठा होगी, सुपर फूड की प्रतिष्ठा होगी। आदरणीय सभापति जी, ड्रोन खेतों में एक नई किसानों की ताकत बन करके उभरने वाला है। 15,000 ड्रोन दीदी का कार्यक्रम ऑलरेडी हम लॉन्च कर चुके हैं। ये तो शुरुआत है, आगे बहुत सफलता दिखती है। आदरणीय सभापति जी, हम नैनो टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में लाने में प्रयोग अब तक सफल हुए हैं। हमने नैनो यूरिया में बहुत बड़ी सफलता पाई है, नैनो डीएपी की दिशा में सफलता पाई है और आज एक बोरी भर खातर लेकर के घूमने वाला किसान एक बोतल के खातर से काम चला लेगा, वो इतनी दूर नहीं है। आदरणीय सभापति जी, सहकारिता क्षेत्र में हमने एक नई मिनिस्ट्री बनाई है, उसके पीछे इरादा है कि एक सहकारिता का पूरा जन आंदोलन नई ताकत के साथ उभरे और 21वीं सदी की आवश्यकता के अनुसार उभरे, उसको भी हम और उसका सबसे बड़ा लाभ हम 2 लाख भंडारण का काम जो हाथ में लिया है, जब 5 साल के भीतर भीतर वो पूरा हो जाएगा, छोटा किसान को भी अपनी पैदावार को रखने की जगह मिल जाएगी। किसान तय करेगा किस भाव से बाजार में बेचना है नहीं बेचना है, उसको जो बर्बाद होने का डर था वो खत्म हो जाएगा और किसान की आर्थिक ताकत बढ़ जाएगी। पशुपालन और मछली पालन पक्का मैं कहता हूँ नए रिकॉर्ड बनाने वाले। आज हमारे यहाँ पशु की संख्या है लेकिन दूध की उत्पादन कम है, हम इस स्थिति को बदल देंगे। फिशरिंग एक्सपोर्ट करने की दुनिया में हम बहुत बड़ी तेजी से विकास करेंगे, ये भी मेरा पूरा विश्वास है। हमने एफपीओ की जो रचना का प्रारंभ किया है, अनुभव बहुत अच्छा है। 5 साल के भीतर भीतर किसानों की एक नई संगठन की शक्ति और कृषि उत्पादन में वैल्यू की ताकत, ये लाभ मेरे देश के किसानों को अवश्य मिलने वाला है। आदरणीय सभापति जी, G20 की सफलता ने साफ कर दिया है और दुनिया में कोविड के बाद जो खुलापन आया, उस खुलापन का सबसे बड़ा लाभ हमने देखा है कि विश्व का ध्यान भारत की तरफ गया है और इसलिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र टूरिज्म आने वाले दिनों में होने वाला है और जो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला है। आज विश्व के कई देश है जिसकी पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पर निर्भर है,
भारत में भी बहुत से राज्य ऐसे बन सकते हैं जो उनकी पूरी इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा टूरिज्म होगा, और वो दिन दूर नहीं है। जिन नीतियों को लेकर हम चल रहे हैं, भारत एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाला है। आदरणीय सभापति जी, जिसका हिसाब किताब पहले बहुत कम हुआ करता था, जिसकी बातें सुन करके हमारी मजाक उड़ाई जाती थी, जब मैं डिजिटल इंडिया की चर्चा करता था, जब मैं फिनटेक की चर्चा करता था, तब मैं जरा आउट ऑफ बॉक्स के बातें कर रहा हूँ ऐसा लोगों को लगता था, आउटडेटेड सोच वालों के लिए सामर्थ्य का अभाव था। लेकिन मैं पूरा विश्वास से कहता हूँ आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 वर्ष डिजिटल इकोनॉमी की दुनिया में भारत का डंका बजने वाला है। भारत एक नई शक्ति है और डिजिटल व्यवस्थाएं भारत के सामर्थ्य को बढ़ाने वाली है। विश्व मानता है कि AI का सबसे ज्यादा उपयोग कोई करने का सामर्थ्य किसी देश में होगा तो हिंदुस्तान में होगा।